हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है दुर्गा अष्टमी और हमारे गांव में जो माता रानी का मंदिर है वहां आज भंडारा है। सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं और मौसम देखो कितना सुहावना हो रहा है। तो मेरी सास जो है वो गाय से दूध निकालने जा रहे हैं, तब तक मैं फटाफट से पानी गर्म करने के लिए लगा देती हूँ और मैं अपना बेड ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बिस्तर देख के फिर बार बार लेटने का मन करता है क्योंकि गाँव में अभी भी ठंड है। तो चलिए, अब बिस्तर ठीक करने के बाद सबसे पहले मैं दवाई खा लूँगी अपनी, क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। तो रात के बर्तन हैं, ये धोए थे, तो अब मैं इनको रख देती हूँ इनकी सही जगह पर और साथ में दवाई खा के पानी पी लेती हूँ। साथ में अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ, ये वही है त्योरी में, मैं आई हूँ घर। अब मैं सब्ज़ी पकाने के लिए डाल देती हूँ, तब तक जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक करूंगी। और मम्मी चाय पी रहे हैं और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं अपने फैमिली मेंबर से आपको मिलवाऊंगी, तो बस तैयार रहिए मेरे फैमिली मेंबर से मिलने के लिए। और देखो इतना सा काम किया और धूप भी आ गई और झाड़ू लग गया है। और अब किचन की हालत देखो, थोड़ा ये समेट लेती हूँ। ये है मौली, जिसको आप मेरे साथ रील्स में अक्सर देखते हो, और ये मेरी सास हैं और साथ में मेरी जेठानी बैठी हैं, पानी पी रही हैं साथ में। सबसे पहले भैया ना के आ गए हैं, हैप्पी नवरात्रि सबको। ये है मेरे जेठ जी, मंजीत के बड़े भैया, और साथ साथ मैं बना रही हूँ नाश्ता और मौली के लिए ट्राइंगल पराठा। सबसे पहले मैं और दीदी नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि मेरी सास का और भैया का दोनों का फास्ट है। ये हमारा फैमिली का है जिसका नाम रखना भी बाकी है। अब सेकंड नंबर मौली की टर्न है, तो मौली भी आ गई है नहा के। अब गई है नहाने माता जी, माता जी के कपड़ों में कर देती हूँ मैं फटाफट से प्रेस। जबकि मैं कब उठ गई सुबह, दीदी भी बहुत जल्दी उठ गई थी, फिर भी कुछ ना कुछ काम आता रहता है और इतना टाइम निकल गया। और साथ में चुटकी उधर हमने किचन में लिटा रखा है उसको, वो भी रो रही थी, तो मैं उसको भी लेके आई इधर। अब फिर वापस फटाफट से मम्मी बुला रहे हैं नीचे, तो उनको मैं प्रेस करके कपड़े दे देती हूँ। आपने अभी तक की वीडियो में देखा कि एक एक करके सब नहा रहे हैं, तो अभी मेरी टर्न थी, मैं नहा चुकी हूँ। अब बची हैं बस दीदी, तो दीदी भी फटाफट नहाएंगी। मैंने मशीन लगाई है और कपड़े साथ साथ निपटा देते हैं, नहीं तो फिर दूसरे दिन के लिए और ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस सब नहा चुके हैं, तो अब हम मंदिर की तरफ जाएंगे थोड़ी देर में, तब तक के लिए तैयार हो जाते हैं और तब तक दीदी नहा लेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अब दादी पोती रहेंगी घर में, क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं तो मम्मी उसका ध्यान रखेंगी। ये मेरी एक और सास हैं जो कि आ चुके हैं, तो अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। और ये हमारी फैमिली का सबसे इम्पॉर्टेंट फैमिली मेंबर है, हमारी गाय और ये दीदी। और ये हमारा मैंजनी गांव है, ये ग्राउंड है, और ये हम मंदिर में पहुंच गए हैं। भीड़ है बहुत ही ज़्यादा, तो चलिए पहले भगवान जी को मिलकर आते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अपने हाथ में गलावा बांधना, आपको भी अच्छा लगता है कमेंट करके बताना मुझे, है ना। और ये है हमारा मंदिर, जिसकी प्रतिष्ठा अभी मई या जून में ही हुई है। अभी ये नया मंदिर बना है माता रानी का, और आप देख ही सकते हो लोग तो काफ़ी हैं। और सबसे मैं काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ, तो मुझे इतने सारे लोगों के सबके पैर छूने पड़ेंगे। ये है माता रानी, छोटे छोटे से बच्चे हैं, कुछ मेरे मायके के हैं, कुछ मेरे ससुराल के हैं, क्योंकि मेरा ससुराल और मायका बहुत पास पास है, तो कुछ भी फंक्शन होता है तो सब इधर से उधर आना जाना रहता है। देखो गांव में ऐसा फंक्शन होता रहना चाहिए, है ना। मिलते हैं अपने, मिलते हैं, बस तो प्रसाद ले लेते हैं। अब आ गया है खाने का
ऑर्डर, तो चलते हैं अब खाना खाते हैं जिसके लिए हम आए हैं। भंडारा लवर हैं भाई हम, आप लोग भी हैं, कमेंट करना मुझे। फिर मैं आपको थोड़ा सा मंदिर भी दिखाऊंगी, चारों तरफ तो नहीं दिखा पाऊंगी पर हाँ कोशिश करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ आप लोगों को। देखो मैं और दीदी तो सबको नमस्ते करते करते हाथ दुख गए हमारे, क्योंकि सब मुझसे तो लगभग सभी बड़े हैं, दीदी से तो हैं भी कुछ छोटे लेकिन मुझसे तो लगभग सभी बड़े हैं, तो बस मुझे सबके पैर छूने पड़ते हैं और ये हमारा शिष्टाचार भी है। ये चिटकू सा शैतान, पर एक और शैतान, पर दोनों बहुत क्यूट है ना। तो बस खाना वाना सबका निपट चुका है, सब बैठे हैं, बर्तन धोएंगे, लेडीज पार्टी बर्तन धोएंगी, ये हमेशा का रहता है। जेंट्स लोगों की ड्यूटी खाना बनाने की है और लेडीज बर्तन बर्तन धो गई है, बट गई है फोटो खिंचवाने के लिए, आ गए हैं सब। मंदिर परिसर में साफ सफाई भी हो गई है और मंदिर है लंगूड़ा महाराज का। ये चुटकी सी ननद है मेरी, अभी मई और जून में यहाँ प्रतिष्ठा हुई थी लास्ट ईयर, तो तब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन अभी भी मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ कि हमारे गांव में ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना है। इसमें पूरा लकड़ी का है और देखो ये लकड़ी में कैसे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ऐसा टैलेंट हमारे हिंदुस्तान में ही हो सकता है ना। माता रानी का दरबार है, पर ये स्पीकर में भजन बज रहे थे और अब सब बर्तनों को रख दिया जा रहा है पंचायत घर में, क्योंकि सारे बर्तन हमेशा वहीं रखे जाते हैं, कुछ भी गांव में फंक्शन हो या कुछ भी हो तो वहीं से निकलते हैं। ये मंदिर का अंदर से इस तरह से स्ट्रक्चर है। बस अब ये आ गए हैं दीदी लोग, अब ये बर्तनों को ले जाएंगे पंचायत घर की तरफ, तो मैं भी थोड़ी हेल्प कर लेती हूँ। मंदिर में साफ सफाई हो गई है, सब अपने अपने घर के लिए निकल गए हैं प्रसाद लेकर। तो ये है हमारे मंदिर का आवरण, हरा भरा ये गांव है, ऊपर की तरफ ये ग्राउंड है मेजनी में। देखो क्रिकेट खेल रहे होंगे यहाँ बच्चे अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है, बल्ला भी यहीं पड़ा हुआ है। तो ये है पंचायत घर, अब बर्तन रख देंगे तो फिर उसके बाद सब वेट कर रहे हैं कि अब तो जी एक चाय होनी चाहिए, है ना। देखो कैसे बैठे हैं सब, चाय लाओ। ये है हमारी सासू माँ बीच में बैठी हैं, जो फिर सब बैठे, भाई चाय की डिमांड थी तो चाय तो मिलनी ही थी। बस तो वापस हम अपने घर आ गए हैं
और बैठे हैं। ये आ गई हैं हमारी एक और सास मंजीत की चाची, तो फटाफट से चाय बना लेते हैं। भैया आए हैं, हमारे जो पड़ोसी हैं, मेरी सास बैठी हैं, आग जल रही है। अब मेरी मम्मी लोगों ने तो खाना खा लिया था, बस अब सब जा चुके हैं सोने, और मैं भी फटाफट थोड़ा सा समेटती हूँ और चलती हूँ अपने रूम की तरफ, क्योंकि मेरा रूम भी देखो कितना बिखरा हुआ है। रात के बज गए हैं 11, हम मैं आ गई हूँ अपने रूम में, सबने खाना वाना खा लिया है। मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो फिर मैंने वहीं फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था, तो बस अभी हम सब निपट गए हैं। मेरी एक सास भी आए हैं, वो भी यहीं रुके हैं आज, तो वो भी सो गए हैं, तो हम भी अब सो जाते हैं क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। जबकि आज कुछ भी नहीं किया, बस बहुत सारे लोग मिले आज और सब काफ़ी टाइम बाद मिले। होता है ना गांव में एक फंक्शन होता है तो सब लोग आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो बस इसी चीज़ का हमने भी आज फ़ायदा उठा लिया। सब हमें मिल गए यहीं पे, किसी से मिलने हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए ऐसे गांव में गैदरिंग होते रहनी चाहिए जिसमें कि कुछ ना कुछ हो, लोग आए मिलें, है ना, फिर एक आपसी संबंध जो हमारे रहते हैं वो बने रहते हैं। अब हर कोई ऐसा भी नहीं होता जिसको हम कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम पर्सनली मिलते हैं, कॉल में हमारा उतना अच्छा बॉन्ड नहीं होता, लेकिन हाँ अगर हम सामने मिलेंगे तो एक अलग रहता है। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और लाइक करना ना भूलें, और कमेंट तो आपको करना ही है ना। तो चलिए फिर बाय बाय, और उम्मीद करती हूँ कि आपका नया साल बहुत ही अच्छा जा रहा होगा।